रास्ते के खारिया गांव पहुंची है ईडी की टीम। पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुए संदिग्ध लोगों के घरों में ईडी की रेड। सीकर में निजी कोचिंग क्लास से जुड़े हुए दोनों संदिग्ध बताए जा रहे हैं, जिनके ठिकानों पर रेड मारी गई है। दोनों के घरों के बाहर सीआरपीएफ के जवानों का कड़ा पहरा नजर आ रहा है। ईडी के अधिकारी संदिग्ध लोगों से अब पूछताछ कर रहे हैं। तो डीडवाना में खारिया गांव अब ईडी की टीम पहुंची है और पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुए संदिग्ध लोगों के घरों में छापा मारा गया है। दोनों के घरों के बाहर सीआरपीएफ के जवानों का कड़ा पहरा है। दो संदिग्ध जिनके ठिकानों पर ईडी की टीम का धावा। तो खारिया गांव में ईडी की टीम पहुंची है। पेपर लीक प्रकरण से जुड़े संदिग्ध लोगों के घरों में ईडी द्वारा छापेमारी की गई है। निजी कोचिंग क्लास से जुड़े हुए ये लोग। हमारी सहयोगी राहुल माथुर जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, डीडवाना के खारिया गांव में ईडी की टीमों के पहुंचने से जाहिर तौर पर हड़कंप मचा होगा, लेकिन किस तरह की कार्रवाई यहां पर हुई ये बताइए। जी नंदनी, आपको बता दूं कि आज अल सुबह ही खारिया गांव में ईडी की टीम पहुंची और खारिया गांव के दो युवकों के घर पे दबिश दी गई है। और बताया ये जा रहा है कि ईडी की टीम पेपर लीक प्रकरण को लेकर के मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पहुंची है, लेकिन अभी जानकारी ये भी है कि अंदर टीम पहुंची हुई है, वो जानकारियां खंगाल रही है। बताया ये जा रहा है कि सीकर के एक निजी कोचिंग संस्थान का मामला बताया जा रहा है, जहाँ पेपर लीक के तार जुड़े हुए हैं उनको लेकर के अभी कार्रवाई चल रही है। अगर कुछ अगर जानकारी और भी अगर मिली तो साझा करेंगे, लेकिन अभी तक की जानकारी में यही है कि वो उसके जानकारियां संभालने में लगे हुए हैं और पेपर लीक के प्रकरण को लेकर के टीम मौके पर पहुंची हुई है। यहाँ तक कि तप्पे तप्पे पर मकान को सील किया हुआ है, चारों तरफ से पुलिस ने और कई टीमों ने घेराबंदी करके नाकाबंदी कर रखी है। जी जी बिल्कुल। राहुल, ये जो कोचिंग संस्थान आप बता रहे हैं, सीकर के निजी कोचिंग संस्थान के ठिकाने पर ये कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है, इसका मालिक कौन है और किस तरीके के तार इस पेपर लीक प्रकरण से जुड़े होने की आशंका है कि ईडी इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए खारिया गांव पहुंची है? हालांकि ये मामला अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि निजी संस्थान के मालिक कौन है, लेकिन एक राहुल भाकर और सुरेंद्र भाकर नाम के दो युवकों के घर पे दबिश दी गई है, जो वो सीकर में किसी निजी संस्थान में कार्यरत बताए जा रहे हैं। और इस बात की जानकारी का खुलासा पूरी जानकारी मिलने के बाद ही किया जाएगा, जब तक ये पता नहीं लग पाया कि निजी संस्थान का इसका नाम क्या है और निजी संस्थान का मालिक कौन है। जी जी राहुल, जिन दो आरोपियों का आप नाम ले रहे हैं, किस तरह की भूमिका सामने आ रही है पेपर लीक प्रकरण में इन दोनों की? हालांकि दोनों प्रकरण में अभी तक इस तरह की कोई अभियुक्त की कोई बात तो नहीं आ पाई है, नॉर्मल में रहने वाले लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन पूरी जानकारी अब तक सामने आ नहीं पाई है और पूरी जानकारी के आने के बाद ही पता लग पाएगा कि दोनों युवकों का आचरण कैसा है। की टीम को देखकर गांव में किस तरीके की तस्वीर नजर आई, किस तरीके का माहौल? अभी तक बिल्कुल शांत वातावरण में माहौल चल रहा है, अंदर जांच चल रही है और पूरा खुलासा जब तक नजदीकी क्षेत्र में पुलिस ने प्रवेश अभी दिया नहीं है और अंदर इसके मकान घरों के पास में जब तक जाने नहीं दिया जाएगा, जब तक कुछ जानकारी अंदर से निकल करके नहीं आती। कितने लोगों की टीम ईडी की तरफ से यहाँ पर आई है? आपको ये बता दूं कि अब तक इस बात का खुलासा भी नहीं हो पाया है, क्योंकि मामला ईडी का है और ईडी पूरी जानकारी देती नहीं है। दबी जुबान से ये भी आए हैं कि तीन गाड़ियों में भर के ईडी की टीम आई हुई है और वो मौके पर घरों में प्रवेश की हुई है। जी राहुल, बड़ा प्रकरण है ये ईडी का, इस तरीके से लगातार दबिश दिया जाना, पेपर लीक प्रकरणों के मामलों से जुड़ा हुआ ये छापेमार कार्रवाई ईडी द्वारा की जा रही है और अब खारिया गांव में ईडी की टीम पहुंची है। राहुल, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।